राधे राधे, जय श्री मन्नारायण। आपका दास अनिरुद्धाचार्य आज TV9 भारतवर्ष में महाराज का मंत्र कार्यक्रम लेकर के आपके समक्ष आया है। और आज की भागदौड़ भरी दुनिया में जो आज का युवा, आज के हमारे विद्यार्थी, आज के हमारे स्टूडेंट्स, आप सब कंपटीशन में इतने परेशान हैं, इतना कंपटीशन है, इतना तनाव है, प्रतिस्पर्धा है कि कहा नहीं जा सकता। हर बच्चा आगे जाना चाहता है। आगे जाना बुरा नहीं है, आगे तो जाना ही चाहिए, परंतु हम स्वयं को तो आगे ले जाएं, पर किसी को पीछे करने का भाव ना रखें। जो औरों को पीछे करने का सोचते हैं कि ये पीछे हो और मैं आगे हूँ, वो व्यक्ति स्वयं पीछे रह जाता है। जो दूसरों को आगे करता है और फिर साथ साथ चलता है। आप मेहनत करिए, आप अपना पढ़िए, आप अपने लिए अच्छा करिए। और लोग क्या कर रहे हैं, और लोग कहाँ हैं, बिल्कुल दृष्टि मत डालिए। आपने घोड़े को देखा होगा, जब घोड़ा चलता है तो आपने देखा होगा उसकी आँखों के पास इस तरह से दो पट्टी लगा दी जाती हैं, ताकि घोड़े की आँख इस तरफ ना जाए, अर्थात वो इस तरफ ना देखे, इस तरफ ना देखे, वो सीधा देखे तो घोड़ा अपनी रफ्तार से आगे की ओर बढ़ता है। यदि घोड़ा यहाँ वहाँ देखे तो फिर वो अपने लक्ष्य तक कैसे पहुँचेगा। खरगोश और कछुए की कहानी तो सबने सुनी है बार बार। तेज चलता है खरगोश, पर पहुंचता कौन है, कछुआ। क्योंकि कछुआ धीरे भले चलता है, पर अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर चलता ही रहता है, रुकता नहीं है, चलता रहता है। बस आपको भी चलते रहना है, भले धीरे धीरे चलिए, कुछ धीरे धीरे याद करिए, लेकिन चलते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। कौन क्या कर रहा है, इससे मन को हटाइए और सीधा केंद्रित हो जाइए अपने लक्ष्य में। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य में केंद्रित है, वो सफल होए बिना नहीं रह सकता। हनुमान जी जब लंका गए तो मैनाक पर्वत रास्ते पर खड़ा हो गया। बोला, हनुमान जी थोड़ा विश्राम कर लीजिए, आप थक गए होंगे। हनुमान जी बोले, मैं कैसे विश्राम कर लूँ, मैं सीता माता का पता लगाने के लिए निकला हूँ, और जब तक सीता माता का पता नहीं लगा लेता, मैं कैसे अपने लक्ष्य पहुँचे बिना, लक्ष्य तक पहुँचे बिना विश्राम कर लूँ। तो राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मैं जब तक सीता माँ का पता नहीं लगा लेता, अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेता, मुझे पता ही नहीं कि मुझे विश्राम करना है। बस बिना थके, बिना रुके, जो युवा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बढ़ेगा, मंजिल जरूर प्राप्त होगी। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, उनमें से एक बाण बनाने वाले को गुरु बनाया। आओ आप युवाओं के साथ एक छोटी सी कहानी जो आपको बहुत सारी प्रेरणा देगी। एक बाण बनाने वाला लोहार बाण बना रहा था, और इतनी तन्मयता से, इतना डूब करके वो बाण बना रहा था, अपने काम में इतना मग्न था कि उसके सामने से एक बारात गुजर गई। जब बारात गुजरी, ढोल नगाड़े बजे और वो अपना काम करता ही रहा। जब बारात गुजर गई तो किसी व्यक्ति ने पूछा उस लोहार से कि भैया, जो यहाँ से बारात गुजरी है वो किस तरफ गई है, क्योंकि वहाँ पे चौराहा था। तो उसने पूछा कि भाई, ये बारात किस ओर गई है। लोहार ने कहा, बाण बनाने वाले ने कहा कि मुझे नहीं पता कि यहाँ से बारात गुजरी है। अरे, आपके सामने से तो बारात गुजरी है, आपको नहीं पता। नहीं भैया, मुझे नहीं पता, मैं अपना काम इतनी तल्लीनता से कर रहा था कि बारात चली गई। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वह बाण बनाने वाला अपने काम में इतना डूबा था कि बारात निकल गई, पता ही नहीं चला। आप लोग कई बार कहते हैं, वो डिस्टर्ब करता है तो मैं पढ़ नहीं पाता, वो परेशान कर रहे हैं तो मैं पढ़ नहीं पाती या पढ़ नहीं पाता। आप अपने काम में इतना डूब जाओ कि बाजार में क्या चल रहा है, पड़ोस में क्या चल रहा है, आसपास क्या प्रतिक्रिया हो रही है, क्या चल रहा है, आपको पता ही नहीं लगेगा। एक लड़की अपने टीचर से शिकायत करती है कि सर, ये लड़का मुझे बार बार देख रहा है, ये लड़का मुझे बार बार देख रहा है। तो टीचर ने कहा उस लड़की से कि ये लड़का तुम्हें बार बार देख रहा है, ये बात तुम्हें पता कैसे चली, मतलब तुम भी उसे बार बार देख रही हो। तुम उसे देखो ही ना, तुम अपना काम करो,
तो तुम्हें कौन देख रहा है तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। भाई आपको तो पता इसलिए चला क्योंकि आप भी देख रहे हैं, इसलिए आपको अपने लक्ष्य को देखना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, अच्छी चीज़ें ग्रहण कर लो, जो अच्छी बातें मिलें उसे स्वीकार कर लो। और आप युवा हैं, आपको सिर्फ पढ़ाई में फोकस करना है, अपने लक्ष्य में फोकस करना है। काम करते हो तो काम में, बिजनेस करते हो बिजनेस में, पढ़ते हो सिर्फ पढ़ाई में, है ना। और विवाह हो गया है तो सिर्फ पत्नी में फोकस करो, अर्थात अपनी गृहस्थी में फोकस करो, यहाँ वहाँ मन ना लगाओ। पूरा जीवन मन पर डिपेंड करता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। पूरी गति मन की है, मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोए, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। आप लोग कंपटीशन के इस दौर में आप अपना काम करिए, लोग क्या कह रहे हैं आपके प्रति, क्या बातें कर रहे हैं। कहावत सुनी होगी, हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए, बिना हारे बिना रुके बिना थके। जब आप मन लगा के पढ़ेंगे, आप कहते हैं महाराज जी हम पढ़ते हैं याद ही नहीं होता। याद करने के लिए पढ़ाई को समझ करके करना है, आपको रटना नहीं है, जो लिखा है उसे समझना है कि किस संदर्भ में है, ये बात क्यों कही जा रही है, किस लिए कही जा रही है, ये सारी बातें समझनी है। और इस कंपटीशन के दौर में आपको बिना टेंशन में आए, बिना डिप्रेशन में आए, केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है, ठीक है। आप सभी बच्चों को हनुमान जी की वो बात याद रखनी है कि जब तक सीता माँ का पता नहीं लगा लेता, अर्थात जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि उठो चलो, तब तक चलो जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति को करके ही विश्राम करना है, राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। तो विश्राम इस तरह नहीं कि आप दिन भर सो रहे हैं, दिन भर व्यर्थ की चीज़ें देख रहे हैं, दिन भर मोबाइल चला रहे हैं। पढ़ाई करने वाले को अल्पाहारी ग्रही त्यागी, घर से मोबाइल से इत्यादि चीज़ों से मन को हटाकर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान लगाना है। यदि आपका मोबाइल आपके पास है और आप टाइम ज़्यादा मोबाइल को देते हैं तो आप सफल कैसे होंगे। इसलिए पढ़ने में डूब जाइए, डूब करके पढ़िए। राधे राधे। आज से जुड़ा आज का उपाय, आज का उपाय है कि सारे बच्चों को एक लोटा में जल भरना है और लोटा में जल भर के उसमें थोड़ा कुमकुम डालना है, उसे लाल करना है, रंगीन करना है। उस जल को केसर डाल सकते हैं, कुमकुम डाल सकते हैं, चंदन डाल सकते हैं, अष्टगंध, और सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। सूर्य भगवान के 12 नाम बोल करके आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। द्वादश नाम नहीं आते तो 12 बार सूर्याय नमः ही कहिए, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, इस तरह 12 बार कह के सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। और आप लोग यदि आपको गुस्सा आता है, आपको पढ़ाई में चिड़चिड़ापन बना रहता है, तो आप अपनी इस दाहिने हाथ की इस उंगली में आप मोती की अंगूठी, चांदी धातु में, चांदी में मोती की अंगूठी, 4-5 रत्ती का मोती हो, और उस मोती की अंगूठी को आप अपने इस कनिष्ठिका में छोटी उंगली में पहन लें तो आपका चिड़चिड़ापन मिट सकता है, आपके क्रोध में कंट्रोल होता है, थोड़ा गुस्सा कम आता है। तो आप सूर्य भगवान की उपासना करने वाले सूर्य भगवान के लिए आप मोती की अंगूठी पहन सकते हैं, जिससे आपका क्रोध आपके कंट्रोल में होगा। और जब अंगूठी पहने तो वह मोती का कुछ हिस्सा आपके शरीर में इस उंगली पे, इस चमड़ी में टच होना चाहिए। मोती की अंगूठी आप सोमवार को पहने, सबसे पहले वह मोती की अंगूठी भगवान को स्पर्श कराएं, स्पर्श करा के आप उस अंगूठी को रखें भगवान के सामने, और पहले कम से कम 12 बार सूर्याय नमः, सूर्याय नमः कहें,
सूर्य भगवान के 12 नामों का जाप करें और बड़े प्रेम से श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए उस अंगूठी को अपने हाथ में इस उंगली में पहन लें तो आपका क्रोध आपके कंट्रोल में रहेगा कुछ हद तक। तो आप ये उपाय कर सकते हैं। कंपटीशन में सदा आप फेल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इत्यादि तरह से आप परेशान हैं, तो आज का समाधान है कि आप सफल होने के लिए सबसे पहले तो गीता की एक बात याद रखें, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर। यदि आप सफल नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप में कोई कमी है, अपरिपक्वता है। आप अपने आप को पकाएं, आप अपने आप को और गहराई से तपाएं। जब आप मेहनत करेंगे, जब आप अपने आप को तपाएंगे तो निश्चित आप सफल होकर के ही रहेंगे। कहाँ कमी है उस कमी को ठीक करिए, गलतियों को स्वीकार करिए और सुधार करिए, निश्चित आप सफल होंगे। सफल होने के लिए मंत्र आज का श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। इस मंत्र को आप जाप करें, ये भगवान की शरणागति मंत्र है। जब आप भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करेंगे तो भगवान आपकी सुनेंगे, भगवान सबकी सुनते हैं। अर्जुन जब परेशान थे, चिंतित थे, तो अर्जुन ने क्या कहा, शिष्यस्तेहम, हे प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए। जब अर्जुन ने आत्मसमर्पण किया तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश करना शुरू किया, और गीता का उपदेश आखिरी वचन क्या था भगवान का, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुचः। ये भगवान श्री कृष्ण की अंतिम वाणी है भगवद गीता की, कि सर्वधर्मान परित्यज्य, हे अर्जुन तू सबको छोड़, चिंताओं को, टेंशन को, डिप्रेशन को छोड़ और मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आ। जब आप आत्मसमर्पण करते हैं भगवान की शरण में तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे सारे पापों का नाश करके मोक्षिष्यामि मा शुचः, तुझे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। तो आप भी यदि चिंतित हैं, परेशान हैं, तो भगवान की शरण में आओ, भगवान के आश्रित रहो, काम खूब करो, पैसा खूब कमाओ, प्रयास खूब करो, पर ईश्वर के आश्रित रह करके। जीवन में कभी हारना नहीं चाहिए कि हम सफल नहीं हुए तो अब हम क्या करें। कुछ बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में जाना मतलब चिंताओं से घिर जाना। चिंता किस बात की है, हमारे और आपके चाहने से कुछ नहीं होता। हम मेहनत कर सकते हैं, सफलता ईश्वर के हाथ में है। आप मेहनत करिए, कर्म आप करिए, सफलता मिलेगी या नहीं ये ईश्वर के हाथ में है। अर्जुन तू युद्ध कर, तू कर्म कर, जीतेगा कि नहीं जीतेगा वो मुझ पर छोड़। तो भगवान पर छोड़ के अपना कर्म करते रहिए, ईश्वर सब अच्छा करेंगे। भगवान के भरोसे रहिएगा, सदा आपकी विजय होगी। और चिंता नहीं, चिंतन करिए भगवान का। आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है, घबराना क्यों है, चुनौतियां तो आएंगी, लड़ना पड़ेगा, लड़ना सीखिए, परिस्थितियों से लड़ना सीखिए। माता सीता को जंगल जाना पड़ा, लकड़ी काटनी पड़ी, अकेले बच्चों का लालन पालन करना पड़ा, क्या वो हार गई परिस्थितियों से या उन्होंने डटकर सामना किया। पता नहीं कल कौन सा दिन, कौन सा वक्त खड़ा हो जाए, हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहिए। यही मजबूती, चट्टान सी मजबूती आपकी हो। आप पढ़े कम हैं, आपकी डिग्रियां कम हैं, चलेगा। कम डिग्रियों वालों ने भी इतिहास रचा है, जो कॉम्पिटिशन में फेल हो गए, जिनकी नौकरियाँ नहीं लग पाई। हिम्मत क्यों हारते हो, दिल छोटा क्यों करते हो। जो कंपटीशन में हारे हैं, जो फेल हुए हैं, जिन्हें नौकरियां नहीं मिली, उन्होंने भी इतिहास रचा है। तो आप हारते क्यों हैं, परेशान क्यों होते हैं, फिर से खड़े हो जाइए। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, फिर खड़े हो जाइए अपने लक्ष्य की ओर, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। राधे राधे। बसंत कुमार प्रयागराज से हैं। आपका सवाल है कि गुरुजी हम पढ़ते तो हैं पर भूल जाते हैं, परीक्षा देने एग्जाम में जाते हैं, वहाँ सेंटर में तो सब भूल जाता है,
तो आप जरूर बसंत जी मोबाइल चलाते होंगे, रील्स बहुत देखते होंगे। रील देखना कम करिए, मोबाइल चलाना कम करिए, आप निश्चित सफल होंगे। आप सफल हो जाएंगे कब? जब मन लगा करके अपनी तैयारी करेंगे। पढ़िए, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो आप बसंत जी जी भर के पढ़िए और मोबाइल पर ध्यान कम दीजिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। माँ सरस्वती की उपासना करिए, है ना, सरस्वती माँ का ध्यान करिए, माँ सरस्वती माँ को वंदित करिए, वंदना करिए। माँ सरस्वती माँ की वंदना करके उन्हें विराजमान कराइए अपने कक्ष में, अपने पढ़ाई के स्थान पर। उनके चरणों में एक दीपक जलाकर वहाँ पर, और फिर अपनी पढ़ाई करिए। जब माँ सरस्वती माँ की कृपा होगी और जब पढ़ने बैठिए तो विद्यार्थियों का मुख पढ़ने के समय पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर आपका मुख होगा, आपके सामने सूर्य भगवान की सुंदर किरणें होंगी, एक पॉजिटिविटी आपकी ओर आएगी। या तो उत्तर की ओर आपका मुंह होना चाहिए। विद्यार्थियों को पढ़ते समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके पढ़ना चाहिए या उत्तर दिशा की ओर मुख करके पढ़ना चाहिए। जब आप और बच्चों को पढ़ने का, जो बच्चों का कक्ष हो वो कहाँ हो, बच्चों की पढ़ाई हमेशा ईशान की तरफ होनी चाहिए, पूरब और उत्तर के कोने की तरफ बच्चों के पढ़ने का स्थान हो। आप पूर्व दिशा की ओर ज़्यादा बढ़िए, उत्तर दिशा की ओर ज़्यादा बढ़िए, ताकि जीवन में आने वाले हर प्रश्न का उत्तर आपको उत्तर दिशा की पॉजिटिविटी से मिलता रहे। सुबह जब सूर्योदय होता है तो वो पहली जो पॉजिटिविटी किरणें आपके भीतर ऊपर पड़ती हैं, तो वही ग्रहण करिए उस रोशनी को, और अपने मन मंदिर को भी सूर्य भगवान की उस रोशनी से रोशन कर लीजिए। पढ़ाई करिएगा जी भर के, मोबाइल बिल्कुल छोड़ दीजिए, आप सफल होंगे। आज के देवी देवता में आज की देवी हैं माँ सरस्वती। माँ सरस्वती कौन? आपने ध्यान से देखा होगा माँ सरस्वती किस पर बैठी हैं। माता सरस्वती हंस पर बैठी हैं, और हंस का स्वभाव कैसा होता है? हंस जो होता है वो पानी और दूध को मिक्स करो तो वो दूध दूध पी लेता है, और हंस पानी पानी छोड़ देता है। सार सार को गही लहे, थोथा दे उड़ाए, यही सिद्धांत अपनाओ। विद्यार्थियों आज सभी आप लोग ध्यान से सुनिए कि आपको करना क्या है, कि जैसे माता सरस्वती का हंस दूध को ग्रहण करता है, उसी तरह आपको समाज की अच्छी बातें ग्रहण करनी चाहिए, दोस्तों की अच्छी बातें ग्रहण करनी चाहिए, और बुरी बातों को छोड़ देना चाहिए। समाज की, दोस्तों की, परिवार की हर बुरी बात को इग्नोर कर दो, छोड़ दो। माँ सरस्वती कहती हैं कि विद्वान वही बनेगा, विद्यावान वही बनेगा जो सार को ग्रहण करे। अच्छाई को ग्रहण करने वाला श्रेष्ठ होता है, बुराई को ग्रहण करने वाला महान नहीं होता। तो आप सब अच्छाई को ग्रहण करें, पॉजिटिविटी को ग्रहण करें, जैसे हंस अच्छाई को ग्रहण करता है। आज का मंत्र, आप जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, जो पढ़कर के सफल होना चाहते हैं, तो आप सबके लिए आज का मंत्र है ओम सरस्वत्यै नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। आप इस मंत्र का जाप करें, माँ सरस्वती की उपासना करें, माँ भगवती आपकी विद्या और आपके बल को बढ़ाएं, और आपका मन पढ़ाई में लगे। पढ़ लिख करके योग्य बने, राष्ट्र की समाज की सेवा करें। पढ़ाई वही करते हैं जिनके पढ़ाई के पीछे कोई उद्देश्य होता है, कोई लक्ष्य होता है। आप क्यों पढ़ना चाहते हैं, उसके पीछे का लक्ष्य क्या है, तो पढ़ाई का लक्ष्य बनाइए कि हम पढ़ लिख कर खूब पैसा कमाएंगे, और उस पैसे से समाज की, दीन दुखियों की, गरीबों की, ज़रूरतमंदों की सेवा करेंगे, और भारत से गरीबी को खदेड़ बाहर करेंगे। जब आपकी शिक्षा गरीबी समाप्त करने के लिए होगी तो आपकी शिक्षा सफल होगी। तो आप इस उद्देश्य से पढ़िए कि मैं पढ़ लिख कर भारत की गरीबी को समाप्त करूंगी या करूंगा। राधे राधे। इंदु सिंह जी हैं कुशीनगर से, इनके दो बच्चे हैं। इन्होंने प्रश्न किया है कि क्या चिंता करने से काम होगा? आप बहुत चिंता करती हैं इंदु बहन, आप चिंता ना करिए, चिंतन करिए। चिंता चिता के समान है, और चिंतन ईश्वर से जोड़ने वाला है। चिंता
जीते जी मार देती है, चिता मुर्दे को जलाती है, चिंता जीते जी इंसान को जलाती है। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन करिए भगवान का। जब अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा की भीष्म पितामह ने कि कल के युद्ध में मैं पांडवों को मार दूंगा, तो पांडव तो निश्चिंत थे, अर्जुन सो रहे थे। भगवान कृष्ण बोले कि अर्जुन कल की कोई प्लानिंग कर लो, कल की चिंता नहीं है, पितामह मार देंगे कल। अर्जुन बोले प्रभु जिसके रक्षक आप हों। अर्जुन बोले कन्हैया जिनकी चिंता आप करें उन्हें कौन मार सकता है। इस तरह अर्जुन की बात सुन के भगवान गदगद हो गए। अर्जुन को इस तरह से चिंता, इस तरह से चिंतन था भगवान का, इस तरह भरोसा था, क्या आपके होते हुए पितामह मुझे मार सकते हैं। हे श्री कृष्ण जिसके रक्षक आप हों उसे पितामह क्या मारेंगे। बस यही भरोसा अर्जुन को, भगवान पर भरोसा था, इसलिए अर्जुन जीत गए। इसलिए भगवान पर भरोसा करिए, विश्वास करिए, चिंतन करिए भगवान का, चिंता नहीं। राधे राधे। बच्चों की परवरिश कैसे करें कि बच्चे बचपन से ही धर्म की राह पर चल सकें। आजकल के बच्चे रास्ता भटक जाते हैं, बच्चे रास्ता ना भटकें, इसके लिए कल का एपिसोड देखना ना भूलिएगा TV9 भारतवर्ष पर, महाराज का मंत्र, सुबह 7:20 से रोज आपकी सेवा में ये दास अनिरुद्ध हाजिर होता है, तो आप जरूर सुनिएगा कल का ये सुंदर सा प्रोग्राम।